दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि पैनल से लेके मेटल डिटेक्टर तक का वायरिंग कैसे किया जाता है, और जिस कन्वेयर में मेटल डिटेक्टर लगा होता है उस कन्वेयर पे यदि मेटल आ जाता है तो कन्वेयर स्टॉप हो जाता है, यानी रुक जाता है। तो आखिर इसका जो मेटल डिटेक्टर है और पैनल है, इन दोनों का कैसे सर्किट बना रहता है कि जैसे मेटल आता है वो कन्वेयर रुक जाता है, और सर्किट कैसे काम करता है, उसका कनेक्शन कैसे होता है, वो कौन से कॉन्टैक्टर पर इसको दिया जाता है कमांड, वो सारा चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पर जो हम लोग सबसे पहले चेक कर रहे हैं, तो जो हमारा पैनल से वायर आया, केबल आया है, उसे हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ये जो मेटल डिटेक्टर है, ठीक है ना, ये मेटल डिटेक्टर का मॉडम है, मेन इसका कंट्रोलर है, और यहाँ पर जो लगा हुआ है इसके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, यानी डीबी है ये। तो यहाँ से इसमें से सप्लाई इस कंट्रोलर में आता है। तो आप चाहे तो कंट्रोलर में भी वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि इस डीबी से बहुत सारे जगह और केबल जाता है, वायर जाता है, तो इसलिए यहीं पर इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, और इस कनेक्टर के थ्रू और जहाँ जहाँ भी जाना होता है उसे भी वहाँ पर सप्लाई पहुँचाना होता है। सबसे पहले यहाँ से आपको चेक कर लेना है, इस डीबी से इतने सारे तार निकल रहे हैं, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि ये सारा वायर कहाँ पर कनेक्ट होता है। फिलहाल आप इसका वायरिंग को समझिए। उसके बाद ये आरसी आरसी में डालिए, घुसा के अब एक डाल दो आरसी, ठीक है। अब बचा हमारा एक न्यूट्रल का वायर, तो न्यूट्रल का वायर डालना है चार नंबर में, यानी कि H202 में, ठीक है। ध्यान रहे कि कोई एक दूसरा में टच ना हो जाए। यहाँ सप्लाई यहाँ आ गया। अब यहाँ से एक कमांड हमको लेके जाना है, कहाँ पर ये लेके जाना है, पैनल में, जिससे हमारा कन्वेयर बंद हो जाए, ठीक है। हाँ, कन्वेयर बंद हो जाए तो उसके लिए ये और अब टर्मिनल है X510, ठीक है। X510 से कहाँ पर कॉन्टेक्ट है, देखिए 10 नंबर में ना, टर्मिनल लगाइए। ये है कौन सा टर्मिनल, ये है आपका रिले, निकालिए यहाँ, देखिए 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है। तो हमारा जो सबसे पहला वाला है चार नंबर से, यानी कि चार नंबर से यहाँ सप्लाई आ रहा है, यानी कि ये टर्मिनल और ये टर्मिनल से हम। ठीक है, ये ऊपर वाला ही टर्मिनल है, यानी कि चार नंबर से लेके चला जाएगा कमांड लेके, ठीक है। बाकी किसी का कोई काम नहीं है, यहाँ बस देख के लगाना है कि ऊपर वाला जो 6 पिन है ऊपर में लगाना है और बाकी नीचे लगाना है, ठीक है। ये अपने आप लॉक हो गया, यानी कि हमें लगा देना है अब यहाँ पर एक टर्मिनल। इसमें डाल दीजिए अच्छा तरह से और ये निकाल दीजिए, ठीक है। ये इसको ये चला जाएगा, ये रिले से कमांड लेके चला जाएगा पैनल में, ठीक है। बस यही इतना वायरिंग होता है, बाकी सब वायरिंग किया रहता है। अब यहाँ पर हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलेंगे पैनल में, किस टाइप से हमें वायरिंग करना है पैनल में। पैनल में देखो, वही वाला केबल यहाँ पर आया हुआ है ना, R Y
और ये हमारा क्या था, अर्थ था, है ना, ये अर्थ था, अर्थ को हमने अर्थ में ज्वाइंट कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट उसमें टूटा हुआ है इसलिए यहाँ पर ज्वाइंट करना पड़ रहा है। तो ये जो आर है यानी कि लाइन वायर है वो कहाँ से जा रहा है इसको देख लेते हैं। देखिए ये जा रहा है ऐसे, तो आप देखेंगे इस पर भी, तो देखिए यहाँ पर लिख रखा है, ध्यान से अगर देखेंगे तो एक मिनट से आपने दिख रहा है, हाँ ये दिखा रहा है 1350, ठीक है ना, दूसरे नंबर पॉइंट से ना 1350, ठीक है। तो 1350 का है ना, ये देखो 1350 यानी कि मीटर बोल रहा है, ठीक है। जब इसको बंद कर देंगे तो मैं नहीं दिखा रहा, क्योंकि सप्लाई कहाँ जा रहा है, ये नीचे से जा रहा है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से लाइन चला गया, ठीक है। न्यूट्रल भी जा रहा होगा इस ट्रांसफार्मर से, ठीक है, इस ट्रांसफार्मर से जा रहा होगा, लेकिन फिर भी कहाँ जा रहा है ये भी देख लीजिए आप। न्यूट्रल जा रहा है 1030 से, ठीक है ना, 1030 से, ठीक है, 1030 इधर है, ठीक है ना, इससे जा रहा है। अगर हम इसमें लगाएं, न्यूट्रल कॉमन है, तो इधर हम किधर कहीं भी लगाएंगे तो ये दिखा देगा, ठीक है, किसी में भी लगाएंगे न्यूट्रल में तो ये दिखाएगा, देख रहे हो, किसी में भी, ये थोड़ा सा उलझन टाइप का रखा हुआ है, ठीक है, ये बहुत साफ है, ये अब साफ हो जाएगा आपको, ये किसी में भी लगाएंगे न्यूट्रल को दिखाएगा, किसी में भी लगाएंगे दिखाएगा, इसमें भी लगाएंगे तो दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया न्यूट्रल, ठीक है, लाइन और न्यूट्रल तो हमने यहाँ पर सप्लाई दे दिया। अब बात कहाँ अटकता है, अब बात अटकता है कि जो हमारा उधर से कमांड आ रहा है यानी कि ये येलो वाला वायर है ना, येलो वाला वायर में आ रहा है, तो येलो वाला वायर में जो आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, ऐसे तो आप यहाँ पर भी देखेंगे तो दिखा देगा, ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे कि ये दिखा देगा कि कितना नंबर से आ रहा है। देखिए ये आ रहा है K350 के A1 में जा रहा है, यानी कि वहाँ से जो लाइन आ रहा है K350 A1, तो देखिए K350 है नहीं, K360 है, K360 जो K360 कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये है यहाँ पर दिखा रहा है A1 में, देख रहा हूँ यहाँ कंटिन्यूटी शो कर रहा है ना, ये K360 के A1 में सप्लाई आ रहा है। तो ये क्या करता है, काम कैसे करता है आखिर ये, कि अभी वहाँ से लाइन आ रही है, ठीक है, जैसे ही हम उसमें मेटल पकड़ता है तो क्या करता है, ये कॉन्टैक्टर को यहाँ से टिप करता है, ये ठीक है, कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। कॉन्टैक्टर जब ऑन होगा तो ये क्या होगा, देखिए आप यहाँ से एक एनओ से सप्लाई जा रहा है ना, एनओ से, तो एनओ से सप्लाई जा रहा है और इधर से भी एनओ से निकल जा रहा है, यानी कि जब एक कॉन्टैक्टर एक्टिव होगा है ना, कॉन्टैक्टर जब एक्टिव होगा है ना, इसको दे देगा, ये इसे कमांड देगा है ना, जब इसे कमांड देगा कि इसमें मेटल आ गया है तो क्या करेगा, ये 3 नंबर बेल्ट को बंद कर देगा है ना, 3 नंबर बेल्ट का सप्लाई ऑफ कर देता है, बस यही इसका फंक्शन है और कुछ फंक्शन विशेष नहीं है। अब इसमें 3 नंबर कन्वेयर होगा आई थिंक 140 है ना, 140 ये वाला, तो 140 के जो कॉइल पर सप्लाई आ रहा है 74, ये अगर आप चेक करते हैं तो ये फुल होके यहाँ पर इसको सप्लाई दे रहा है, ठीक है ना, 140 पर, ये इस पर है ना, इस पर सप्लाई दे रहा है।